हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। तो सबसे पहला है टेनिस, टेबल टेनिस। जहाँ कहीं पे भी टेनिस आ जाए, टेबल टेनिस आ जाए, लॉन टेनिस आ जाए और बैडमिंटन आ जाए, जहाँ कहीं पे भी ये दिखे तो वहाँ पे याद रखना एक या दो खिलाड़ियों की संख्या होगी पोलो। पोलो पोलो का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? POLO, पोलो। पोलो में तो ये कितने अक्षर है? चार, तो चार हो जाएगा। अब आ रहा है वाटर पोलो। पोलो में चार हो जाएगा और ये वाटर, एक दो और तीन, ये तीन ऐड कर देंगे, तीन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सात। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब आ रहा है कबड्डी। कबड्डी में आपको पता ही होगा कि सात खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में सात खिलाड़ी होते हैं। खो खो, जब किसी को जुकाम लगता है तो वो करता है खो खो, तो पास में बैठा रहता है जो जो भी बैठा रहता है वो बोलता है खो खो। नहीं, नहीं से हो जाएगा नाइन, नौ हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है क्रिकेट। क्रिकेट में क्या होता है? एक बैट होता है, एक बॉल होती है, इसका मतलब हो जाएगा 11। हॉकी, हॉकी में भी एक वो छड़ी होती है हॉकी, और एक होती है गेंद, वो भी इसमें भी हो जाएगा 11। जिम्नास्टिक, ये पीछे वाला वर्ड पकड़ो, अस्टिक, अस्टिक, अस्टिक से हो जाएगा 8। अगली स्लाइड, बास्केटबॉल। बास्केट बॉल, ये बास्केट, बास्केट से पकड़ो बिस्किट, 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 पार्ले जी का बिस्किट कितने में आता है? पांच में आता है। ठीक है, अगला आता है वॉलीबॉल। वॉली, वो वाली बॉल, वो वाली बॉल पर सिक्स मार, कितने मार? सिक्स मार, वो वाली बॉल पर सिक्स मार, छक्का मार, वो वाली बॉल, वो वाली बॉल पर सिक्स मार। अगला आता है नेट बॉल। नेट बॉल में आपको याद रखना रखना पड़ेगा सात है। और बेस बॉल, किसी भी चीज़ का बेस होना जरूरी होता है, बेस होना जरूरी है, बेस होना, होना मतलब नौ, नौ मतलब नाइन। और अगला आता है फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल में क्या करते हैं? पैरों से मारते हैं, अपन के दो पैर है, दोनों पैरों से मारते हैं, तो ये हो जाएगा 11। और अगला है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में क्या हो जाएगा कि फुटबॉल में अपन को पता है 11 होते हैं, प्लस RAGBI, रग्बी। रग्बी में कितने अक्षर? पांच है, पांच अक्षर है, तो इस ए को हटा लेंगे और यहाँ पे पांच रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।